तो गाइस, जैसे कि आपने देखा एपिसोड 1 में, विक्की ने अपने बैंक लोन और किए दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने सीनियर दोस्त से उधार लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है बिना नॉलेज के। वहां उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। बस यार, क्या सोचा है फिर? कुछ नहीं, जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट का भी करूँगा थोड़ा बहुत। कैसे करेगा? मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं मैनेज कर लूँगा। भाई, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, कहाँ से लाएगा? मेरे पास सेविंग्स है थोड़ी बहुत, मैं उसे यूज़ करूँगा। भाई, वो तेरे मेहनत के पैसे, सेविंग्स कर, नहीं तो फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा। अब भाई, कुछ सीखने के लिए तो फीस भरते हैं ना। अब स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया तो मैं यही सोचूंगा कि मैंने फीस भरी है सीखने के लिए। अबे साले, ये बड़े बड़े बताए तब करना जब तू कुछ उखाड़ लेगा, समझा? भाई, फोकट का ज्ञान दे रहा हूँ, चुपचाप ले ले। अबे भाई, वहाँ देख। अबे चल यार। अरे रुक जा यार। अरे यार, अभी कॉल मत कर यार। यस मैन, यस यस यस। एक और ट्रेड ले लेता हूँ, पक्का प्रॉफिट होगा आज। पता है मार्केट नीचे जाने वाला है, पुट ऑप्शन में पूरा प्रॉफिट ही होगा, मुझे श्योर है। एक और ट्रेड ले लेता हूँ, लास्ट। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था यार, क्यों लिया यार दूसरा ट्रेड? शिट। हाँ सर,
700 शेयर सॉल्यूशन केमिकल के खरीद लिए। ऐसे HDFC लाइफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसके भी शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, कितने? 500 शेयर HDFC लाइफ के। हेलो, क्या उसके शेयर आपको कब के भेज देना चाहिए था सर? कोई बात नहीं, और क्या खरीदना है? हेलो, ओके, बर्गर किंग के 1000 शेयर खरीद लिए। शुगर बिल्ड कॉइन सर, इसे आप होल्ड करके रखो क्योंकि आगे अच्छा प्रॉफिट देगा आपको ये। थैंक यू। राजू, कैबिन में आओ। हाँ सर, मैं अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, सारे फाइल घर पहुँचा देना। भैया एक चाय। राकेश भाई, राकेश भाई, हाय राकेश भाई। हेलो राकेश भाई, पहचाना मुझे? मैं विक्रम। विक्रम, वो मेहता एंड सन्स कंपनी में आपको देखा था। ओ हाँ, बातों में आता हूँ, वहाँ के ओनर का ट्रेडिंग अकाउंट मैं ही देखता हूँ। वैसे तुम कैसे जानते हो मुझे? वो पहले मैं उस कंपनी में जॉब करता था इसके लिए। ओ अच्छा अच्छा। राकेश भाई, मैं जानता हूँ कि आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी आप थोड़ा सा गाइड करो ताकि मैं इसमें अपना करियर बना सकूँ। अच्छा, वैसे कितना टाइम हुआ तुम्हें स्टॉक मार्केट में? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सर, समझिए एक साल से भी कम। देखो, तुम नए नए हो इसमें, तुम्हें एक्सपीरियंस की और ज़रूरत है। वैसे तो मैं तुम्हारी उतनी खास मदद नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ, एक सेमिनार है गौतम अग्रवाल का 27 अगस्त के दिन, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए। ये वहाँ का एड्रेस है, उस सेमिनार से काफ़ी सीखने को मिलेगा तुम्हें। अच्छा, थैंक यू राकेश भाई, चलता हूँ। हाँ रोहन बोल। कहाँ पे विकी तू? यही घर के पास में हूँ भाई, शाम में एक फ्रेंड से मिलने वाला तुझे। अच्छा शाम में? हाँ आज शाम में। हाँ ठीक है ना, चलते हैं। अच्छा एक काम करना, मुझे मेरे घर से पिकअप कर ले तू, ठीक है? ओके डन। ओके चल, बाय बाय ब्रो। बाय बाय बाय। हेलो, हाय सर, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपकी सर्विसेज आज से स्टार्ट होगी सर। हेलो सर, मैं दिव्या बात कर रही हूँ फ्रॉम फ्लाई हाई कंपनी। सर आप 33,200 का पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए और टारगेट 40 पॉइंट्स का लगा दीजिए। सर हम आपको एक ही रात में अमीर भी बना सकते हैं। सर हम आपको तभी कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं जब हमारे पास श्योर इन्फॉर्मेशन होगी, और वैसे भी आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है। सर प्लीज आप मुझ पर मत चिल्लाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी कंपनी सिर्फ 80% का एक्यूरेसी देती है। अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो भी गया है तो आपको अगले ट्रेड में हम उसको कवर करवा देंगे। अरे जब जानकारी नहीं होती है तो क्यों टिप्स देते हो तुम लोग? पता है हमारा कितना नुकसान होता है इसमें? हम लोग बहुत मेहनत से पैसे कम। हेलो। Hey, what's up, Rohan? कुछ खास नहीं, बस वही रोज का शेड्यूल। अच्छा, वैसे मेरा ऐप रेडी हो गया क्या? या लगभग हो चुका है, मैं शाम तक भेज दूंगा तुम्हें। Great, thanks. You're welcome. Bye. Bye. और भाई कैसा रहा आज का ट्रेडिंग? अबे भाई, या तो ट्रेडिंग की बातें मत कर, कैफे में आए यार।
दूसरी बात कर। फिर से लॉस हो गया क्या? लॉस तो नहीं बोल सकते, पर कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। हाँ, पर सीखने को बहुत मिला। अच्छा भाई ये बता, ये ट्रेडिंग से तो कुछ कमा भी रहा है, बस यू टाइम पास? हाय रोहन। हाय दिव्या। हाय। सो क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? ऑल गोइंग ग्रेट। नाइस। टेल मी हाउ अबाउट यू? ऑल गुड। सो दिस इज योर फेवरेट प्लेस? या इट्स माय फेवरेट प्लेस, और यहां पे बहुत कंफर्टेबल है। नाइस। सो दिव्या विद माय फ्रेंड विकी। ओ हाय विकी। हाय दिव्या। क्या लोगे? रेड बुल। ओके डन। एक्सक्यूज मी, वन रेड बुल। वन रेड बुल। सो व्हाट डू यू डू? मैं एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का काम करता हूँ, और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का भी करता हूँ। ओह नाइस। और तुम क्या करती हो? मैं एक फ्रीलांसर स्टॉक मार्केट एडवाइजर हूँ, एंड बेसिकली मैं क्लाइंट्स को टिप्स प्रोवाइड करती हूँ। टिप्स मतलब कैसे? मतलब मैं अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे क्लाइंट्स को टिप्स प्रोवाइड करती हूँ। ओह, तो तुम ऑप्शंस में भी काम करवाती हो क्या? या मैं हर सेगमेंट में काम करवाती हूँ। अच्छा, वैसे मैं भी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे भी टिप्स दोगी क्या? हाँ, तुम रजिस्ट्रेशन करवा लेना और फीस पे कर देना, फिर तुम भी मेरे क्लाइंट बन जाओगे। ओके, तो मैं आज ही रजिस्टर करा लूंगा। ग्रेट, फिर तुम्हारी सर्विसेज कल से स्टार्ट हो जाएगी। ओके। वेल रोहन, ये जगह काफी अच्छी है, इट्स वेरी पीसफुल। हाँ, इसलिए मैं आना पसंद करता हूँ। नाइस। ओके, मुझे निकलना होगा। ओके। हाँ, अरे मेरे ऐप को क्या हुआ है? ओह सॉरी, मैं लेकर आया हूँ, ये लो प्लीज। ओह थैंक यू सो मच रोहन। ओके विकी, सी यू सून। थैंक यू रोहन। बाय बाय। अरे भाई, ये सही में कोई एडवाइजर है क्या? ब्रो, एक हफ्ते पहले इसने 30 लाख का फ्लैट खरीदा है, और इसका काम करने का तरीका भी बहुत सही है। क्या बोलता है फिर, करा लो रजिस्ट्रेशन? भाई तेरी चॉइस है, इसमें कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। ठीक है भाई, मैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत फ़ायदा कराएगी। ओके, कर ले फिर। हाय दिव्या। हाय विकी, रेडी रहना, मैं तुम्हें 5 मिनट में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करूंगी। या ओके, मैं रेडी हूँ। हेलो। हाँ बोल भाई। बस कुछ नहीं यार, थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा था। तू सुना, क्या हाल चाल है? कब? 27? नहीं यार, 27 को मैं नहीं आ पाऊँगा, एक सेमिनार अटेंड करना है मुझे, तो वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। सॉरी यार। हाँ तुम लोग जाओ, मिलते हैं फिर। चल बाय बाय। बाय यार। हाँ दिव्या। विकी, तुम 35,400 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो, और 50 पॉइंट्स का टारगेट लगा लो। हाँ कर दिया। हाँ ठीक है, मैं कॉल करती हूँ जैसे टारगेट हिट होता है। ठीक है, ओके। हाँ दिव्या। हे विकी, टारगेट हिट हो गया है। हाँ, 7,362 का प्रॉफिट हुआ है। हाँ ओके विकी, आई विल कॉल यू बैक। हाँ ओके, थैंक यू।
हाँ रोहन, हाँ कल रात को लेट सोया था यार। नहीं यार, मूवी देख रहा था तो लेट हो गया था इसके लिए। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश अप होकर तुझे फ़ोन करता हूँ। ठीक है, चल बाय। हेलो 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 विकी। हाँ दिव्या। विकी, 34,400 का पुट ऑप्शन बाय कर लो। हाँ कर दिया। और टारगेट कितना है? वो अभी 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है, ओके। यस बोलो विकी। मार्केट नेगेटिव जा रहा है, लॉस दिखा रहा है। ठीक है, ओके, मैं वेट करता हूँ। हेलो दिव्या, पूरा लॉस दिखा रहा है, पूरा नेगेटिव है मार्केट, क्या हुआ? एक्चुअली आज मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, सो आप एक काम करो, पोजीशन एग्जिट कर दो और जो लॉसेस है वो अगले ट्रेड में कवर कर लेंगे। अरे यार, मेरा पूरा कैपिटल मैंने इसमें लगा दिया, अब आगे मैं ट्रेड कैसे करूँगा बोलो। सर आज मार्केट पूरा दिन ही वॉलेटाइल था, कभी कभी मार्केट ऐसा बिहेव करता है। आपको मैं अगले ट्रेड में कवर करवा दूँगी। जब तुम लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो यार तुम दूसरों को रेकमेंडेशन देते क्यों हो बोलो। हेलो 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 आरोन। हाँ बोल विकी। तुझसे अर्जेंटली मिलना है यार, मिल मुझे। अभी बिजी हो, रात में 12 बजे मिलेंगे। हाँ ठीक है, 12 बजे मैं मिलता हूँ तुझसे। पार्क में मिल। ठीक है, ओके ओके बाय। हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे? देख यार, दिव्या ने मुझे टिप दी और उसके कहने पे मैंने पूरे पैसे लगा दिए और देखते देखते पूरे पैसे डूब गए यार। और मैंने जितने पैसे ट्रेडिंग के लिए बचाए थे ना, वो पूरे गए यार। पूरे पैसे लगे मतलब? देख भाई, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पैसे उसे वापस देने को बोल बस। नहीं चाहिए मुझे उसकी टिप्स कोई भी अभी। देख भाई मेरी बात सुन। अरे कुछ नहीं सुनना है, उसे पैसे वापस देने को बोल बस। अभी यार कैसी बात कर रहा है यार तू, एक बार फीस देने के बाद कौन वापस करता है? हाँ देख भाई, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तू ही ठंडे दिमाग से सोच एक बार। क्या सोचूँ यार, अभी सोच के क्या फ़ायदा बोल। देख भाई, उसके टिप्स से तुझे प्रॉफिट भी तो बहुत आना पहले, और तूने पूरे पैसे क्यों लगा यार? अरे यार, ये तो वो बताएगी ना कि मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी थी, मेरी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, उसने ये सब पूछा ही नहीं मुझसे। और तूने आंख बंद करके पूरे पैसे लगा दिए? भाई उसे क्या पड़ी थी तेरी? हाँ इस दुनिया में सभी लोग खुद के लिए कमाते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं, यहाँ कोई किसी को कमा के नहीं देता, समझा? जब तक तू खुद के नॉलेज से कुछ नहीं करेगा, ऐसे टिप्स देने वाले बहुत मिलेंगे तेरे को, और फिर तू ना तो खुद से कुछ कर पाएगा और ना ही सीख पाएगा। देख भाई, प्रोफेशन कौन सा भी हो, आज के टाइम पे वैल्यू सिर्फ नॉलेज की है। अगर तुझे नॉलेज होगी तो खुद का कुछ कर पाएगा, वरना हमेशा दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, समझा? हाँ यार, सही कहा तूने, बहुत सही बात बोली यार, थैंक्स यार। इट्स ओके यार, दोस्त तू तेरा, चिल। अच्छा कल 10 बजे का शो है पीवीआर वर्ल्ड में, चलेगा क्या? नहीं यार, कल एक सेमिनार है, बहुत ज़रूरी है, मुझे वो सेमिनार में जाना है, फिर कभी चलते हैं ना। हाँ ठीक है, ओके भाई,
मैं निकलता हूँ, संडे को मिलते हैं। ठीक है चल, बाय यार। बाय बाय बाय। Good afternoon, friends. It's a pleasure to be here addressing different kind of fraud and all the aspirants for stock market. Friends, stock market एक ऐसी market है जहां आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और डुबा भी सकते हो. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो फैक्ट है वही बता रहा हूं. जब आप कुछ नया स्टार्टअप शुरू करते हो तो उसके लिए एक्सपेंस और पैसा दोनों लगता है. बिना एक्सपेंस का स्टार्टअप आप चला तो लोगे पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे. स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या फिर इंटरडे, इसके लिए एक्सपेंस का होना बहुत ज़रूरी है. रिस्क मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू, पेशेंस, इमोशन, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ. आप जब किसी भी कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालते हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्यों इस कंपनी का स्टॉक क्यों. फ्रेंड्स, तब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है. नॉर्मली जब हम एक नया फोन खरीदने का सोचते हैं तो उससे पहले चार लोग से पूछते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज देखते हैं और अलग अलग स्टोर में सर्वे करते हैं और फिर खरीदते हैं. उसी तरह एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही स्टॉक आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा या नुकसान देगा इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने उस स्टॉक के बारे में कितना रिसर्च किया है. फ्रेंड्स, ऐसा बहुत होता है कि जब मार्केट गिरता है तो लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं. पर आपको क्या नहीं लगता कि असल में वही सही टाइम होता है शेयर्स खरीदने का? अरे जब गिरते बाजार में शेयर्स नहीं खरीदेंगे तो फिर कब? क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट को उठना ही है. इंटरडे की जब बात आती है तो हम टेक्निकली एनालिसिस प्रीफर करते हैं. वैसे तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा. पर हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर बार आपको जैकपॉट प्रॉफिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. यह आपका सारा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है अगर आप रिस्क को मैनेज ना करें तो. ए स्मॉल एग्जाम्पल लाइक स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट, नो इमोशंस, ये सब. फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और सबकी अपनी अपनी सोच है इसके बारे में. ये एक मौसम की तरह है जो बदलते रहता है, और अगर आपको फिलहाल मौसम अच्छा नहीं लगा तो आप इंतज़ार भी कर सकते हो. ये स्टॉक मार्केट की खासियत है. सो आई विल कंक्लूड हियर बाय सेइंग दैट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग. थैंक यू.
हाँ आओ कुणाल। सर ये पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग रिपोर्ट है। हाँ बोलो कैसा रहा पिछला हफ्ता? सर फ्राइडे को 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मतलब 5 लाख का लॉस हुआ है। मंडे को हमने ट्रेड ही नहीं किया था और ट्यूसडे को सर 35 लाख का प्रॉफिट बुक किया था हमने। वेनसडे को 25 लाख का प्रॉफिट सर, और कल फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 5 लाख का लॉस हुआ। अच्छा मतलब ओवरऑल हम प्रॉफिट्स में हैं। ठीक है सर, आज का ट्रेड तो आपने दिया नहीं अभी तक, मार्केट खुल के तो 1 घंटा हो चुका है। हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ आज ट्रेड करें कि नहीं करें, क्योंकि आज मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, आज ट्रेड नहीं करते। एक काम करो, सारे एम्प्लॉयज़ को मीटिंग हॉल में बुला लो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है सर। ओके। हाय गाइस, तो जैसे कि आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो इसलिए ये मीटिंग रखी है, मुझे कुछ आपसे कहना था। गाइस ये हफ्ते में कंपनी ने 50 लाख का प्रॉफिट किया है, मतलब 40% कमीशन के हिसाब से अगर देखे तो आप सब ने एक हफ्ते में 50,000 कमाए, मतलब एक साल के बाद आपके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ होगी और 3 साल के बाद खुद के घर। आप सभी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी तकलीफें देखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप दुकानों में छोड़ आए पैसे की वजह से, लेकिन आप अभी बैठे हैं ऑप्शन सेंटर में जहां आप इतने पैसे कमाएंगे कि घूमने के लिए डेस्टिनेशंस कम पड़ जाएंगे, खाने के लिए होटल्स कम पड़ जाएंगे और शॉपिंग के लिए मॉल्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपके पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे। गाइस मुझे एक बात कहनी है ऑप्शन सेंटर के बारे में। हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में। ये एक स्टॉक मार्केट का ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर चाहे मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ, हमें दोनों टाइम पे पैसे कमाने का मौका मिलता है। बस एक गलत एंट्री या एक गलत एग्जिट बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। और अगर यहाँ पे किसी को भी ऐसा लगता है कि ये सट्टा है, जुआ है और इसका हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तो फिर जाओ किसी स्विगी या जोमेटो में डिलीवरी बॉय का जॉब करो 9 से 9 का, जहाँ पर आप 25 से 30 हज़ार आराम से कमा लोगे और खुद के खर्चे भी निकाल लोगे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले एक बार आप अपने जो आसपास बैठे हुए लोग हैं उनकी शक्लें देख लो, याद कर लो, यही लोग आज से 3 साल बाद अपने बंगलों में किसी आलीशान सोफे पर बैठे हुए जब खाना ऑर्डर कर रहे होंगे, तब आप लोग किसी ट्रैफिक सिग्नल पर अटके हुए अपनी घड़ियाँ चेक कर रहे होंगे। तो गाइस अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा। मैं बाई करने के लिए बोलूँगा आप बाई करेंगे, मैं टारगेट दूंगा आप तुरंत सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस आपको हर हाल में लगाना है गाइस, स्टॉप लॉस। तो गाइस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के टाइम पे आपका फोकस कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, फोन साइलेंट मोड में और आपका दिमाग एक्टिव मोड पे। ट्रेडिंग क्या है? एक मेडिटेशन है जहाँ पे आपका फोकस एक चीज पे होता है और कुछ सेकंड्स और मिनट्स में आप पैसे कमाते हैं। तो गाइस अगर आपकी EMI ड्यू है तो ट्रेड करो, आपका घर का रेंट बाकी है और आपका ओनर आपको भगाने वाला है तो ट्रेड करो, और आपके बच्चों की स्कूल फीस बाकी है तो ट्रेड करो। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे प्रॉब्लम दूर करो पैसे कमा के, आप बस पैसे कमा लो और आपको दोस्तों और रिश्तेदारों की कभी कमी नहीं आएगी। दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं होता है, मगर आज के ज़माने में पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। वेलकम टू ऑप्शन सेंटर गाइज। If you don't trade, you can't win. If you lose all your money, you can't trade. Trade what's happening, not what you think is gonna happen. In trading, there's a time to go long, a time to go short, and a time to go for a holiday. Hey guys, thanks for watching our videos. Please like, share, subscribe, comment, press the bell icon.